देखे कहानी खत्म, तुमको पकड़ोगे इसको छोड़ दोगे, बता रहे हैं ये गारंटी हम लेते हैं। अब बता रहे हैं अगर साथ में दे दिए हम और दोनों जो है आप यूज कर रहे हो तो यार स्पेक्स वगैरह देखें तो भैया वो पॉइंट 31 ना रियलमी वायरलेस 2 के सामने किसी काम का नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको एक चीज बहुत तगड़ी मिल जाती है, अब वो है वीडियो हम बताएंगे। और हाँ यहाँ पे जान लो इसको यूज करते हुए हमें 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, इसको टेस्ट कर रहे हैं तगड़े तरीके से और इसको यूज करते हुए हो चुके हैं लमसम 12 से 15 दिन के आसपास। तो भैया जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वही आपके सामने हम रखेंगे, तो इसलिए वीडियो पूरी ध्यान से देखना और बता दें भैया ये सारे प्रोडक्ट्स हम खुद अपने पैसे से बाय करते हैं, इसलिए जो भी आपके सामने रिव्यू देंगे वो रियल देंगे, कुछ भी यहाँ पे फेक नहीं होने वाला है, फ्री में नहीं मिल रहा है हमको, समझ रहे हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेक्स की, तो यहाँ पे देखो दोनों में ही आपको सोनी का एडलेक हाईरेस ऑडियो मिल जाता है जो कि भैया साउंड को काफी इनहेंस कर देता है, देखते हैं किसमें कितना बेस्ट काम करता है वो वीडियो में आगे पता चलेगा। और भैया यहाँ पे देखो ड्राइवर साइज की बात कर, रियलमी वायरलेस 2 मिल जाता है 13.6 mm का लार्ज बूस्ट बस ड्राइवर, यहाँ पे 9.2 mm का ड्राइवर साइज मिल जाता है, देखते हैं कौन कितना बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे आप पहले से ही जान गए हो कौन सा लाउड होगा, लेकिन साउंड क्वालिटी भी मैटर करती है। और Realme में भाई हमको यहाँ देखने को मिल जाता है एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, देखते हैं भाई कैसा ये वर्क करता है। और उसके अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है ओप्पो में, और भाई यहाँ पे आपको 10 मिनट में 12 घंटे का प्लेबैक मिल जाता है जो कि ओप्पो में नहीं मिलता है, कोई फास्ट चार्जिंग यहाँ पे नहीं मिलती है, आपको करीबन 1 घंटे लग जाते हैं इसको फुल चार्ज करने में, और इसको फुल चार्ज करने में 1.5 घंटे लगते हैं, और यहाँ पे 22 घंटे का टोटल प्लेबैक मिल जाता है आपको। और ओप्पो एनको M31 में आपको 12 आवर्स का टोटल प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये कम हो जाएगा अगर आप यूज करोगे LDAC ब्लूटूथ में ऑन करके, और तब आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगी करीबन 8 घंटे के। भाई रियल टाइम में कैसा रहता है वो हम आगे बताएंगे। और बाकी दोनों में ही आपको मैग्नेटिक वाला फंक्शन देखने को मिल जाता है, उसका भी डिटेल में आगे बात करेंगे। और यहाँ पे एक चीज बहुत तगड़ी देखने को मिल जाती है रियल में जो की है 88 ms की सुपर लो लेटेंसी यार, और यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी गेमिंग टेस्ट आपको करके दिखाएंगे। और यहाँ ओप्पो में आपको एक चीज मिल जाती है वो है बास मोड जो कि मल्टी फंक्शन बटन को 2 बार प्रेस करने पर ऑन होता है, और वो कैसा काम करता है आगे बात करेंगे। चलो बात कर लेते हैं फटाफट इनके बॉक्स और कंटेंट की, तो यहाँ पे यार देखो दोनों को ही कंटेंट सेम मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बॉक्स पैकेजिंग हमको जो है ओप्पो की थोड़ा ज्यादा पसंद आई है रियलमी के मुकाबले। अब आगे बात कर लेते हैं भैया सीधे बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे अगर नेक बैंड की बात कर ले तो नो डाउट जो है बहुत ही बढ़िया लगता है यहाँ पे ओप्पो एनको M31, और बहुत ही छोटा बहुत ही कॉम्पैक्ट, मतलब बहुत ही जो है पता ही नहीं चलेगा भैया कोई नेकबैंड गले में टांगे हुए, इतना लाइट वेट है और इतना पतला पतला है, समझ रहे हो। उनके ईयरबड्स वगैरह भी देख सकते हो भैया, तो दोनों के ईयरबड्स वगैरह बने हैं प्लास्टिक से और दोनों ही मजबूत क्वालिटी के लग रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम वायर के जॉइंट्स की बात कर ले दोनों को ही अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ पे अगर नेक बैंड की बात कर ले जो नेक पास रहता है दोनों में भैया एकदम सॉफ्टर साइड का मिल जाता है, लेकिन ओप्पो M30 में ज्यादा बढ़िया लगता है। कैप्सूल अगर उसकी बात कर ले तो देख ही सकते हो कितना छोटा सा है ओप्पो M31 का, यानी गले में टंगा रहेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, कंफर्टेबल एकदम फील कराता रहेगा। और यहाँ बात कर ले रियलमी की थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन दोनों ही अच्छे हैं, क्वालिटी दोनों की ही अच्छी है। और बटन क्वालिटी की बात कर ले तो बटन क्वालिटी आपको देखने में दोनों ही अच्छे लगते हैं, लेकिन यूज करने में हमको रियलमी ज्यादा बेस्ट लगा है, थोड़ा सा ज्यादा फीडबैक इसका अच्छा लगा है हमें। अगर यहाँ पे एयर टिप्स वगैरह की बात कर ले तो दोनों में ही आपको सॉफ्टवेयर एयर टिप्स मिल जाते हैं, और दोनों ही अच्छी क्वालिटी के हैं, खराब नहीं है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भैया हमें दोनों की ही अच्छी लगी है, दोनों को आप सेलेक्ट कर सकते हो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से अगर बात कर ले तो। अब यहाँ बात कर लेते हैं भैया इनके बैटरी और लाइफ के बारे में, यार देखो इसमें 50% वॉल्यूम पे आपको आराम से जो है 20-21 घंटे मिल जाते हैं फुल चार्ज करने पर, और यहाँ पे भाई आपको फुल चार्ज करने पर मिल जाता है करीब 10 घंटे अराउंड जो है 50% वॉल्यूम पर, लेकिन और यहाँ पे भैया अगर इनका जो है आप हाई क्वालिटी ऑन करते हो तो सिर्फ और सिर्फ 7 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा 50% वॉल्यूम पर, बता दे रहे हैं पहले से ही, ठीक है। तो बैटरी बैकअप जाहिर सी बात इसकी कम है, लेकिन बताए ना कुछ चीजें बहुत तगड़ा है। चलो आगे बात कर लेते हैं बटन एंड फीचर्स की, तो भैया देखो ऐसा है ना दोनों में कई बटन में अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं आपको बाय डिफॉल्ट, लेकिन रियलमी के बटन फीचर को भैया आप जो है चेंज कर सकते हो उनके ऐप में जा करके, उनको जो है इनहेंस कर सकते हो, अलग कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। और बाकी इनके ऐप में आपको बतेरी सेटिंग्स मिल जाती है, गेम मोड ऑन कर सकते हो, नॉइस कैंसिलेशन वगैरह ऑन ऑफ और नॉर्मल पर ले जा सकते हो, और उसको बाय डिफॉल्ट जो है बटन में सेट भी कर सकते हो। और भाई यहाँ पे आपको साउंड इनहेंसर मिल जाता है देखने को, और बहुत सारी चीजें हैं इनके ऐप से जो है, और अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं सो अलग। तो चलो यहाँ पे भैया क्लियर विनर है रियलमी बड्स वायरलेस 2, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं सीधे अपने चैनल की, तो यार यहाँ पे हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल जरूर करना अगर ना हो तो। और भैया हो सके तो हमारी वीडियो थोड़ा सा वायरल करा दे
यार बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप लोग लाते रहते हैं और मस्त मस्त कंपैरिजन लाते रहते हैं। और एक चीज वो कंटेंट लाते हैं जो क्यों यही देता है भैया पूरे टेक चैनल्स में आपकी प्रॉब्लम का भी समाधान करते रहते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं, माइक टेस्ट कर लेते हैं। यार ये जो साउंड आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो ओप्पो एनको M31 से। तो यार यहाँ पे जो है मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कॉलिंग क्वालिटी भैया ये नंबर रहा है, कोई भी दिक्कत हमको नहीं आई है कहीं पे भी। चलो यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस टेस्ट कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे ये ओप्पो एनको M31 का बॉक्स है, इसको थोड़ा सा पीटेंगे हम, बताना कैसा है। और यही टेस्ट हम रियल यूनिवर्स वायरलेस 2 पर भी करने वाले हैं। तो यार ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है रियल यूनिवर्स वायरलेस 2 से, तो कैसी लग रही है आपको जरूर बताना। और हाँ, हमको जो है कॉल वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, इससे भी बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर बात होती है जब इससे हम कॉलिंग वगैरह करते हैं। तो अब बाकी चलो बैकग्राउंड नॉइस टेस्ट कर लेते हैं जैसे ओप्पो एनको M31 का किया था। तो ये ओप्पो का बॉक्स जो पीटे थे इसके पहले, तो यार किसका जो है बैकग्राउंड नॉइज रिडक्शन कैसा लगा है आपको वो आप खुद ही जज कर लेना। तो यार यहाँ पे ओवरऑल कॉल क्वालिटी की बात कर लें, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हो गई, आप जो है ऑफिस मीटिंग वगैरह करते हो, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हो दुनिया भर की जो है, और मूवीज वगैरह बहुत ज्यादा देखते हो, तो उनमें से आपको किसकी लेटेंसी ज्यादा बेस्ट देखने को मिलती है। तो हमने भाई जितना भी कंपेरिजन किया है उसमें दोनों ही हमको बेस्ट आउटपुट दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है, दोनों ही जो है मस्त काम किए हैं हर एक फील्ड में। तो अगर आपकी इनमें से कोई एक नीड है तो आप दोनों की तरफ जा सकते हो, कंफर्ट इसमें ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं सबसे खतरनाक चीज में, जिसमें जो है Realme Buds Wireless 2 बहुत पीछे है। ठीक है, तो कोई आगे है ना, आप कैसे आगे बता दे रहे हैं, वो है कंफर्ट लेवल। यार सीरियसली बता रहे हैं, मजाक मत लेना, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर होता है जब कोई आप नेकबैंड वगैरह यूज करते हो डे टू डे लाइफ में। और सही बता रहे हैं, इसकी साउंड क्वालिटी तो बेहतरीन है ही, लेकिन उसके अलावा जो से कंफर्ट लेवल है यार एक नंबर। मतलब एक तो हल्का लाइट वेट, नेक बैंड पतला, ऊपर से कान में लगा लो, साले को पता ही नहीं चलता कान में कुछ लगाए हो, एकदम छुटकू सा बना है जिसकी वजह से इसका ड्राइवर साइज भी छोटा है, लेकिन कानों में इतने बढ़िया से फिट हो जाता है ना कि इसको यूज करने में बहुत ही मजा आता है यार। और बिल्कुल भी आप अनकंफर्टेबल नहीं फील करोगे, घंटों घंटों रात भर लगा के सो ही जाओ, साले को पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और वहां पे अगर इसके साथ कंपेरिजन कर ले, अवतार अगर साथ में दे दिए हम और दोनों जो है आप यूज कर रहे हो, कंफर्ट की बता रहे हैं भले इसमें कितने फीचर भरे हुए हैं, लेकिन जब भी जो है आपको लॉन्ग टाइम यूज करना होगा ना, इसी को पकड़ोगे इसको छोड़ दोगे बता रहे हैं, ये गारंटी हम लेते हैं। और इन ईयर फिट की बात कर लेते हैं, बात ही क्या करना है, देख ही लेते हैं ओप्पो एनको M31 इन ईयर टेस्ट। ओ भैया गर्दन तुड़वाओगे क्या, कभी जिंदगी में कान से नहीं निकल सकता ये। मतलब ओप्पो एनको M31 दी बेस्ट, मैं कहूँगा दी बेस्ट अपने सेगमेंट में इन ईयर, भैया फिट के मामले में और कंफर्ट के मामले में। अब बात कर लेते हैं इनकी इन ईयर टेस्ट Realme Buds Wireless 2। देखे कान ही खत्म यार, कंफर्ट और इन ईयर फिट में ना ओप्पो एनको M31 को कोई नहीं पछाड़ सकता है जान। चलो यहाँ बात कर लेते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस की, बात ही क्या करना है, देख ही लेते हैं। तो यार यहाँ पे देखो गेमिंग एक्सपीरियंस जो है जाहिर सी बात है आपको Realme Buds Wireless 2 में देखने को अच्छा सा मिल जाता है, लेकिन यहाँ बता दें कि भैया अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हो, दिन में आधा घंटा एक घंटा नॉर्मली गेमिंग कर लेते हो, हमारी तरह जो है थोड़ा बहुत गेमिंग कर लेते हो, तो यार बहुत बढ़िया काम करेगा Realme Buds Wireless 2, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप एकदम हार्डकोर गेमर हो, मतलब जब मोबाइल उठाए बस गेम ही खेलना है और पबजी से बस गोलियां चलानी है, तो एक बात बता दें वैसे गेमर्स के लिए वायर्ड ईयरफोन ही बेस्ट रहते हैं। वायरलेस ईयरफोन आप 25-30 हज़ार भी खर्चा कर दोगे तो नहीं मिलेगा एक्सपीरियंस वायर्ड जैसा, समझ रहे हो ना। बाकी ऐसा नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते, यूज कर सकते हो, 88 ms लेटेंसी अच्छी होती है। अब आ जाते हैं भैया सबसे खतरनाक चीज पर, वो है साउंड क्वालिटी, इसकी बेहतरीन भाई। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम बता दें, नो डाउट 13.6 mm ड्राइवर साइज है इसमें, तो ये जाहिर सी बात है बेटर लाउड और बढ़िया एक्सपीरियंस देगा। लेकिन यहाँ पे ओप्पो एनको M31 भी किसी से पीछे नहीं है। पहली बात तो देखो हम आपको यहाँ पे एक सिंपल सी चीज बता दे रहे हैं कि ईयरफोन आप कितना भी लाउडनेस वाला ले लो, आप सुनोगे 50% 30% वॉल्यूम पर ही, ये रियलिटी है। अब भैया जो बहुत ज़्यादा
कानों में दम रखते हैं, 100% वॉल्यूम पे सुनते हैं भैया, उनकी बात अलग है, उनसे उनके लिए तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप भैया ऐसे ही नॉर्मली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो तो यार ओप्पो एनको M31 भी पीछे नहीं है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार ऑडियो क्वालिटी है। और जो इसको यूज़ कर रहा है ना, कमेंट सेक्शन में उनसे पूछ लेना कैसी है इसकी साउंड क्वालिटी, साउंड आउटपुट इसका कैसा है। ये वन ऑफ द बेस्ट रहा है सेगमेंट में वन प्लस के सामने अगर बताएं तो भाई, नेक टू नेक इसने टक्कर दिया है शुरू से लेकर आज तक। लेकिन भैया पता नहीं क्या है कि सेलिंग कम हुई है इसकी, अब ओप्पो की वजह के नाम की वजह से, अब चाहे जो भी आप कह लो, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट नेक बैंड रहा है अपने सेगमेंट में, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये हर एक फोन के साथ फ्लॉलेस काम करता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी की बात कर लेते हैं ओप्पो एनको M31 में, तो यहाँ पे भाई देखो, वोकल्स की बात कर लो बहुत ही प्यारे भैया, मिड्स की बात कर लो बहुत मस्त, हाई एकदम फुल वॉल्यूम करके सुन लो, कानों में पेन नहीं होने वाला, क्योंकि 9.2 mm का जो ड्राइवर साइज है इसका वो बहुत ही अच्छा है, और मतलब आपको दिक्कत नहीं होने वाली कहीं से भी, आप लाउड भी अगर सुनते हो तो। बास बूस्ट मोड मिल जाता है जो कि डबल टैप करने पर ऑन हो जाता है मल्टी फंक्शन बटन को, और वो भाई साउंड की जो बास क्वालिटी है उसको रिच कर देता है। और इसका मतलब ये नहीं कि जो है वोकल्स और ट्रबल्स वगैरह को समाप्त कर देता है, मतलब हर एक चीज को लेकर के आगे बढ़ता है, और भाई बहुत ही मस्त और बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी आती है, नो डाउट। अब अगर बात कर लें इसकी, तो यार सेम ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है आपको, लेकिन लाउड वे में थोड़ा सा ज्यादा लाउड है ये, क्योंकि सेम वही आपको हाई रेस ऑडियो यहाँ पे मिल जाता है, सोनी का एडलेक सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और दोनों में ही साउंड क्वालिटी बेहतरीन मिल जाती है। बस डिफरेंस ये है कि ये लाउड बहुत ज्यादा है, और इसमें आपको बास का एक्सपीरियंस ज्यादा देखने को मिलेगा इसके मुकाबले, क्योंकि इसका ड्राइवर साइज बेस्ट है Realme Buds Wireless 2 का। तो यार डेफिनेटली जो है, अगर आप बास लवर हो, आपको सिर्फ बास ही बास चाहिए, इससे बेटर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस सेगमेंट में, हम बता दे रहे हैं अभी से। तो यहाँ पे भाई वोकल मिड्स वगैरह सब कुछ क्लियर रहते हैं, फुल वॉल्यूम पर भी भैया कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऊपर से जो है इनका LDAC हाईरेस ऑडियो भी ऑन कर दोगे तो भी मस्त रहेगा, और ऊपर से इसमें आपको देखने को मिल जाता है साउंड इनहेंसर इनके ऐप में भैया, उसको जब ऑन कर देते हैं तो समझ लो DJ बजा देता है, पूरे शहर का आपके कान बजा देगा, वैसे मैं जान लूं। अब ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस की बात कर ले, किसको ओप्पो एनको M31 लेना चाहिए और किसको Realme Buds Wireless 2 लेना चाहिए, तो यहाँ पे यार देखो, सबसे पहली चीज सेल में आपको ये मिल जाता है करीब 1600 के अराउंड, और ये सेल में भी आपको मिलता है 2300 के अराउंड, तो डिफरेंस आ जाता है करीब 600-700 रुपए का। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको मिल रहा होगा 2000 के अराउंड, ये 2300 के अराउंड। तो यार लास्टली हम यही कहेंगे, गेमिंग छोड़ करके और बैटरी लाइफ को अगर छोड़ दो आप, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको लाउडनेस वाला ईयरफोन नहीं चाहिए, देन आफ्टर दिस इज़ दी बेस्ट, आपको हर एक फील्ड में मज़ा दे देगा, मूवी देख लो, ऑनलाइन क्लासेस कर लो, अना गाने सुन लो, बढ़िया बास मोड ऑन कर लो तो बढ़िया बास भी मिल जाएगा, फुल वॉल्यूम पर आप मज़ा भी ले सकते हो DJ वाला। और यहाँ भाई इसकी बात कर लें Realme Buds Wireless 2 की, तो इसको भाई वो लोग ले लें जिनको एकदम लाउड सॉन्ग सुनना पसंद है, एकदम भरा हुआ बास चाहिए, तो वो भी इसमें आप अपने ऐप के हिसाब से आप जो है सेलेक्ट वगैरह कर सकते हो, और बाकी भाई गेमिंग वगैरह तो इसमें कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस इसको जो है रनिंग वगैरह के लिए मत ले लेना, क्योंकि ये उतना बैटर निकल करके नहीं आता, इसकी इन ईयर फिट उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है इसकी है। अगर यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो भैया वीडियो कर दो लाइक, वीडियो कर दो शेयर, और नया हो तो भैया चैनल कर लो सब्सक्राइब, ऐसे ही तगड़े तगड़े कंपैरिजन और बढ़िया बढ़िया वीडियो हम लाते रहते हैं, और सिर्फ रिव्यू नहीं भैया प्रॉब्लम्स पर भी बात करते हैं। चलो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।